क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? लोड शेडिंग भी हमने खत्म की और पाकिस्तान से गुर्बत भी खत्म हो रही थी और डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी और स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे चली गई, तरक्की की रफ्तार 6% हो गई। IMF ने कहा, जब हमने IMF को खुदा हाफिज कहा तो IMF कहता है कि जो पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो आइंदा पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं होगी। लेकिन देखो शूमी है किस्मत। बस पलवानों बस ठहर जाओ, बस करो, मन गए तो ही पलवान हो। आज मैं भी पग पाई है। सुनो, मुझे पता है कि आप माशाल्लाह बहुत जोश खरोश है आपने, लेकिन दौर याद करो जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो पाकिस्तान में सी पैक आया और पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी और ये धरने कर रहे थे, ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे। हम काम कर रहे थे, हम बिजली के कारखाने बना रहे थे, हम मोटरवे बना रहे थे। ये शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बेहतरीन तरक्की के काम किए हैं। ओवरहेड ब्रिज शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, ये सारे तरक्कियाती काम शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे किए। नाम वो मेरा लगा रहे हैं, काम सारे खुद किए हैं और कह रहे नवाज शरीफ ने करवाए हैं। चलो भाई शहबाज शरीफ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका शहबाज शरीफ साहब। ये बिजली के कारखाने भी शहबाज शरीफ साहब ने लगवाए थे, मोटर वे भी शहबाज शरीफ साहब बनवा रहे थे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, दावे से भाई, सुनो पूछना वाला वाले मेरे भाइयों, सुनो पलवानों, तुझे भी सुनो, मेरे बदाम ना किया करो, गल भी सुनाया करो। तो अगर वो दौर रहता और मेरी छुट्टी ना कराई जाती, ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। भाई ठहर जाओ, नहीं, जाना है तो मैं जल्दी खत्म करूंगा। मेरे बाद मरियम नवाज शरीफ ने बात कर दी, तो अगर वो दौड़ रहता मैं दावे से कहता हूँ, अल्लाह से डर के कहता हूँ, अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई